देश में जाति जनगणना की बात हर दल कर रहा है, उसमें ये मैं बधाई देता हूं। और सच्चाई भी यही है कि जहां बहुजन समाज जिस दल के साथ खड़ा हो जाता है उसी दल की सत्ता बन जाती है। आज जो आंकड़े बताते हैं, पिछड़े, दलित और खासकर अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हर जगह पीछे हैं, चाहे वो नौकरियां हों, चाहे वो रोजगार हों, चाहे वो संस्थाओं में जहां उन्हें मौका मिलना चाहिए, हर जगह पीछे हैं। इधर जब से जाति जनगणना की बात आई है, जो कभी नारे लगते थे, आज हर समाज के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना हो और जाति के जो आबादी हो उसके हिसाब से हक और सम्मान मिले। सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं, बधाई। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में चुनाव भी हैं, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी, तो वहां पर भी क्या होने चाहिए आंकड़े से? हम तो हमेशा से इसके पक्षधर रहे हैं। तो सरकार आई तो फिर आप मध्य प्रदेश में भी कराएंगे क्या सर? निश्चित। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। आई वॉज